गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहूस क्रिएटिविटी। मैं हूँ पीहू, आप लोगों का और एक बार पीहूस क्रिएटिविटी में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है और एक बेहतरीन डिज़ाइन का नेकलेस, आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए ना आप लोगों को, तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल पीयूष क्रिएटिविटी को ज़रूर सब्सक्राइब करना। नीचे सब्सक्राइब कर जो रेड बटन है ना, उसको दबा दीजिए। और यहाँ पे नेकलेस के लिए हमें कुछ इस तरीके से कुछ मटेरियल्स चाहिए। यहाँ पे मैंने एक पेंडेंट लिया है, यहाँ पे कुछ ग्लास बॉल लिया है, यहाँ पे हुक्स लिया है, और कॉर्ड लिया है ब्लैक कलर में, और प्लस लिया है मैंने, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने एक ग्लास बॉल लिया है, ये ब्लैक कलर में है। एक ग्लास बॉल के अंदर में जो हमारा इस टाइप का कुछ पेंट्स आता है ना नीचे की तरफ, ऐसा नीचे की जो पार्ट है वो थोड़ा मोटा है, तो वो ग्लास बॉल को उठाना है। और एक पेंडेंट लिया है मैंने, उस पेंडेंट के एकदम मिडिल में डालना है। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का ग्लास बॉल यूज़ किया है। आप लोग चाहे तो किसी और भी कलर यूज़ कर सकते हो। उसको पीछे की तरफ मोड़ के, पीछे की तरफ लेके उसको मोड़ देना है। इसको कुछ इस तरीके से इसको मोड़ते जाना है ग्लास बॉल की चारों ओर। हाँ, और प्लस की मदद से अच्छे से इसको अटैच कर देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, ब्लैक कलर का जो ग्लास बॉल है वो मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे किसी एक कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन करूँगी, तो मैं उसके बाद ग्रीन कलर का एक बेस डालूंगी, लेकिन बीच में एक गैप छोड़ के। हाँ, बीच में एक गैप छोड़ना है। फिर मैं ये ग्रीन कलर का ग्लास बॉल को अटैच कर दूंगी इसके पास। और यहाँ पे मैंने ग्रीन और ब्लैक कलर का जो ग्लास बॉल लिया है, थोड़ा बड़ा साइज़ का लिया है, और बाकी का जो ग्लास बॉल लूँगी वो थोड़ा छोटा साइज़ में यूज़ करूँगी। आप लोग आगे जाकर देख ही सकते हो। यहाँ पे मैं ग्लास बॉल अटैच कर दूंगी, एक एक करके। और यहाँ पे ग्रीन वाला ये अच्छे से थोड़ा अटैच करना है, प्लस की मदद से अटैच कीजिए इस जगह को। यहाँ पे ग्रीन कलर का भी हो गया। अब दूसरी तरफ भी मैं ग्रीन कलर का ग्लास बॉल अटैच कर लूंगी। अब उसके बाद रेड कलर का जो थोड़ी सी दूरी पे गैप है, तो इसीलिए मैं और गैप नहीं रखती। और यहाँ पे देखिए, रेड कलर का जो ग्लास है, जो बॉल है, वो थोड़ा साइज में थोड़ा छोटा है ग्रीन और ब्लैक की मुताबिक। अब इसको भी मैं कुछ इस तरीके से इसको अटैच कर, उसकी चारों ओर मैं कुछ इस तरीके से अटैच कर लूँगी। आप लोग के पेंडेंट में बस एक कलर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर ट्राई कर सकते हो। और डिफरेंट कलर ट्राई करोगे तो कोई भी ड्रेस के साथ, कोई भी कलर की ड्रेस के साथ आप लोग ये पहन सकते हो। खाली ब्लैक में भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। दूसरी साइड में भी मैं रेड कलर का जो वॉल है वो फिक्स कर दूंगी। उसके बाद पर्पल कलर का बॉल लेंगे हम। पर्पल कलर को बॉल को भी कुछ इस तरीके से अच्छे से अटैच करना है। मैंने एक और पहले ही कर लिया है, दूसरी और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सारे बॉल्स अटैच करना हो गया हमारा। आप देखिए, आप हमें इसको ये पेंडिंग जो है हमारा रेडी है। अब इसका जो मेन जो नेकलेस है वो करना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का जो थ्रेड है ना, उसको ऐसे करके नेकलेस के लिए रेडी कर लिया। और एक कट के एक सर को ले लिया है। ये जो धागा लपेटना जो होता है, ये मैंने मेरे दूसरे वीडियोस में दिखाई है, इसलिए ये वाला वीडियो में नहीं दिखाई। सबसे पहले मैं सिल्वर कलर का बॉल लूँगी, उसके बाद ये रेड कलर का बॉल इसके अंदर डाल दूँगी। अब ऐसे नहीं जा रहा है तो मैं यहाँ पे मोगरा का यूज़ करूँगी।
मोगरा से मतलब अच्छे से जाएगा, इसको ऐसे लपेट लूँगी मैं धागा के ऊपर से। हाँ कुछ इस तरीके से लपेट लूँगी। लपेटने के बाद फिर लाइक रेड कलर का जो बीट्स है वो डाल देती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मुझे सिल्वर कलर का जो लाइक साइड का जो पाइप है वो डाल दूँगी। हाँ वो डाल दिया, अब एक साइड की और तो हो गया है। अब जो करना है, अब उसके बाद में फिर से और एक रेड कलर का बीट डाल दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रेड कलर का और एक बीट डाल देती हूँ, और उसके बाद जो पेंडेंट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे जो पेंडेंट है हमने बना के रेडी किया, उस पेंडेंट को उसके अंदर से डाल दूँगी। अब पेंडेंट को डालने के बाद फिर से मुझे रेड कलर का वो लाइक बीट्स जो है वो डालना है। आप लोग फिर से वो रेड कलर का बीट्स ले लीजिए। इसके बाद हमें वो पाइप जो है दूसरा, उस दूसरी पाइप को भी डाल देना है इसके अंदर। इसके सर को थोड़ा ऐसे उंगली की मदद से फिक्स करके उसके बाद इस पाइप को इसके अंदर से डाल देना है। अब उसके बाद में फिर से और ये डाल दिया, उसके बाद में फिर से और रेड कलर का बीज डालूंगी। ये रेड कलर का बीज डालने के बाद में सिल्वर फिर से डाल देती हूँ। बस हमारा जो बेस है वो बिल्कुल रेडी है। आप लोगों को और कुछ नहीं डालना है। अब हमारा नेकलेस जो रेडी हो चुका है। अब हमें लाइक लास्ट काम करना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए कॉट को मैं दोनों तरफ से सीधा करके यहाँ पे एक नॉट लगा दूंगी, मतलब दोनों तरफ दो, ताकि जो हमने जो बीच में जो बीट्स वगैरह डाला वो इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए मैं दो साइड में दो ऐसे नॉट लगा दूंगी। आप लोग इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी इस स्टेप कीजिए। स्किप करोगे तो लाइक पहनने के बाद फिर आप लोगों को बार बार ठीक करना पड़ेगा इधर उधर, तो ये एक बार में सेट कर लो ना तो बार बार की वो दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब दूसरे और मतलब दो दो करके नॉट लगा रही हूँ एक्चुअली, तो दूसरे और भी दो नॉट लगा लेती हूँ। अब उसके बाद हमें लास्ट में जो आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हो लाइक बांध के पहन सकते हो पीछे की ओर, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, आप लोग जो लाइक लास्ट का जो जितना भी कॉट है उनको एक साथ लीजिए। एक साथ लेने के बाद वो मोगरा का यूज़ करेंगे हम, फिर से मोगरा को ऐसे डालेंगे। अब उसके बाद में ब्लैक कलर का जो मोती आता है ना, ब्लैक ये जो प्लास्टिक का, उसके अंदर से डाल दूंगी सारी कॉट को। हाँ ताकि मैं लूज टाइट जो भी करना है वो कर सकती हूँ। मतलब अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सबको सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं दो दो नॉट लगा दूंगी, सब कॉट लेके एक साथ एक नॉट। अब इसके बाद और एक नॉट लगाना है। अच्छे से यहाँ पे थोड़ा धागा ऐसे हो जाएगा, लेकिन अच्छे से आप लोग इसको नॉट लगा लीजिए। अब नॉट लगाने के बाद हमें क्या करना है, लास्ट के जितने भी एक्स्ट्रा जो भी बच रहा है ना एक्स्ट्रा, उनको कट कर देना है। पहले नॉट को आप लोग अच्छे से सेट कर दीजिए। अब नॉट को मैंने अच्छे से सेट कर दिया। अब इसके बाद सीजर की मदद से पीछे का जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उनको कट के एक लाइक एक शेप में लाना है, कुछ इस तरीके से कट कर दिया। अब हमारा जो नेकलेस है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग देख ही सकते हो, साड़ी के साथ, सूट के साथ, कुर्तीज के साथ पहन सकते हो, बहुत औसम लगेगी, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। आई होप आप लोगों को पसंद आया ये डिज़ाइन मेरा। आप लोग किसी एक कलर में देख सकते हो, बीच में जो रेड कलर डाला है वो डाल नहीं भी सकते हो आप लोग, आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कुछ भी कीजिए।
और नीचे का जो जितने भी बीट्स हो वो आप अलग अलग कलर में डाल सकते हो, या फिर कोई एक कलर चूज करके एक कलर के डाल सकते हो, आपके ऊपर है। आप लोगों को जैसा अच्छा लगे ऐसा ही आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, इसे बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग देख ही सकते हो कि उतना मुश्किल नहीं है ये करना। हाँ, उतना मुश्किल नहीं होता है, बहुत कम टाइम में आप लोग ये बना के रेडी कर सकते हो, अगर आप लोगों पर सारे मटेरियल्स है। और आप लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि ये सारे मटेरियल्स कहाँ से हम लें, तो हर एक सिटी में एक ना एक मटेरियल्स रॉ मटेरियल शॉप होगा ही होगा। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ढूंढिए, आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। और अगर मिल जाए तो प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को मिल गया है, और आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आप लोगों का कमेंट पढ़ के ही मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मुझे समझ में आता है कौन सी जगह में गलती है, वो गलती को सुधारने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी। और आई होप मेरा जो कंटेंट है आप लोगों को पसंद आता है। मैं और भी अच्छे अच्छे बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। अब तो और भी बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस आने वाला है, इसके लिए क्या करना पता है ना, मेरी चैनल जो पीयूष क्रिएटिविटी है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ नीचे दाएं तरफ, तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और पास में उसको दबाने के बाद जब ग्रे हो जाए तब एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबाना मत भूलिए, उसको घंटी बोलते हैं। तो मैं जब भी को वीडियो डालो आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाए। और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलते हूँ और एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।